आदत नहीं है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। वैसे अगर आपको मेरी थोड़ी खुशियाँ कम करनी है तो एक दो खुशियाँ आप कम कर सकते हो, चलेगा? दीदी मेरी बात सुन, तू है ना भगवान से मजाक मत कर, बैड न्यूज मत मांग, मेरी बात सुन ले। चलो मैं क्या बोल रही थी, एक हाथी को ये ना छोटी मोटी बैड न्यूज ही दे दो, चलेगा? चलेगा दीदी, सुन मेरी बात, मत बोल तू कृष्णा भगवान को, तू तू बैड न्यूज मांग रही, अभी रुक, अभी तेरी बैड न्यूज आने वाली है। ठीक है, दे दो कोई बैड न्यूज, मुझे तो नहीं लगता आज मेरी कोई खुशियां कम होने वाली है, मुझे तो लगता है मेरी खुशियां और बढ़ेगी। दीदी जोश में ना होश नहीं खोने का रहता, और भगवान से कभी बैड न्यूज नहीं मांगने की रहती। चलो कृष्ण भगवान, एक ना छोटी सी बैड न्यूज दे दो, चलेगा? चलेगा, अरे दे दो एकदम छोटी सी बैड न्यूज, चल जाएगी आज के दिन। क्यों कृष्ण भगवान, नहीं देनी बैड न्यूज? मॉल में शॉपिंग करने के लिए नहीं आया अपन, फिर मॉल में अपन है ना मूवी देखने के लिए आए। ये कौन सी मूवी पापा, सबको बताओ। शाहरुख भाई की मूवी देखेंगे जवान। ये हम लोग शाहरुख खान की मूवी जवान देखने के लिए मॉल आए, लेकिन ठीक है ना, मूवी होने के बाद भी शॉपिंग करेंगे। चलो ठीक है, पापा ने तो है ना ये डबल सरप्राइज दे दिया मेरे को। हाय, थैंक यू। जवान जवान शाहरुख खान की मूवी जवान। पापा पापा को बताते हैं ना क्या क्या करेंगे मूवी खत्म होने के बाद में। हम थोड़ा सा ना मॉल घूमेंगे, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। अरे ये सर्दी का कम नहीं है क्या? नहीं, और थोड़ी चाहिए। देखो पूरा थिएटर है ना हाउसफुल है, और हाउसफुल थिएटर में मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है ना मम्मी, और ऊपर से शाहरुख खान की मूवी है तो और मजा आएगा। चलो मूवी खत्म हो गई है, मूवी मुझे अच्छी लगी, पापा को कैसी लगी? मेरे से मत पूछ, वैसे ही रहेगा। हाँ पापा से नहीं पूछते, अभी हम लोग चलते सीधा आइसक्रीम खाने के लिए। चलो पापा। अरे वो टर्किश आइसक्रीम नहीं होती है जो ऐसे हाथ में नहीं आती है, वो वाली एक बार हम ना ट्राई करेंगे, देखते हैं वो आइसक्रीम मेरे हाथ में आती है या नहीं। आपको क्या लगता है पापा? अभी क्या मालूम, मेरे को देखेंगे ना पापा भी ट्राई करेंगे। ठीक है देखो, हाँ अभी आप बस देखना है। ठीक है, क्या रहता है आइसक्रीम में? हाथ में नहीं आती, देखो ना। देखो
हाँ मुझे भी करना है यार ऐसे। हेलो यस सर्कस चल रहा है यहाँ पे, ये देखो। हाँ अब मिलेगी आइसक्रीम। अरे ये देखो ये रही मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर गौरी, ये ना स्पेशली मॉल में मेरे लिए आया ताकि मैं इनको मिल जाऊँ। देखो मैं इनको मिल गई। हाय गौरी। हाय। और ये उसकी मम्मी है इसकी बहन। क्या हुआ मम्मी? इधर सब छोटे बच्चे ही कर रहे हैं आइसक्रीम का खेल। मुझे भी कर रहे, मैं भी छोटी ही हूँ, मुझे वो आइसक्रीम ऐसे पकड़। तो मान देना उसको, ठीक है ना? देख तू भी कर। हाँ हाँ चलेगा। पापा आप बताना। आइसक्रीम के साथ में खेलेंगे अभी। चलो अभी मेरी बारी, मैं आइसक्रीम पकड़ लूंगी, देखना आप। ठीक है कौन सा लिया है फ्लेवर? कौन सा फ्लेवर होना तेरे हिसाब से बोल। अबे ले ली तो आइसक्रीम खा तो सही। वो नहीं, मेरे को नहीं खानी। क्यों? क्या है? अरे वो आइसक्रीम लगे वाली है, ये ले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ? क्योंकि यार मेरी एग्जाम है, तो एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं एकदम फटाफट उठ गई। और मेरे को है ना मतलब बहुत नींद आ रही है, देखो अभी भी है ना मेरी आंखें से ठीक से खुल नहीं रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं ऐसे सब। अगर मैं पापा के सामने बोलूँगी ना तो पापा मेरे को है ना बहुत डांटेंगे, और ऊपर से यार इस साल मेरे बोर्ड्स है तो मुझे है ना और ज़्यादा टेंशन आ रहा है यार, मैं क्या करूँ। एग्जाम आती है तो टेंशन लेके आती है साथ में इतना सारा। चलो यार ठीक है, वैसे है ना इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ना पढ़ाई वगैरह सब कर ली है। ठीक है तो मैं आ गई हूँ नहा के, और देखो यार मैं ना आप सबको बताना ही भूल गई, हमारा है ना यूनिफॉर्म चेंज हो गया है कॉलेज का। पहले ना वाइट कलर का होता था, अब ऐसे ही पिंक कलर का हो गया है। अच्छा लग रहा है क्या ये बताना? तो और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। देखो मेरे पास है ना हल्का राइटिंग पैड है, बाय द वे ये कृष्णा का है, लेकिन कृष्णा ने मेरा वाला राइटिंग पैड ले लिया और मुझे उसका दे दिया। तो है ना अभी मुझे पापा छोड़ने वाला है, तो पापा बस रेडी हो रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग निकलेंगे कॉलेज जाने के लिए। क्या कर रही है मियाँ तू? मुझे अभी जाना है कॉलेज। मैं नहीं उठा सकती, देखो ये नया ही सीख गई है, देखो आप सबने कैसे सीख रही है ये सब कुछ।
चलो बाय मम्मी। बाय बेस्ट ऑफ लव। आशीर्वाद दो। अच्छे से लिखूंगी मैं पेपर, ठीक है? एकदम अच्छे से। आपको पता है ना मैंने कितनी मेहनत की है, पता है? इतनी सारी शूटिंग करने के बाद मैं इतना थक गए थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कर रही थी। चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, बाय बाय बाय। चांगले मार्कांनी पास हुआ, चली मेहनत करती। चलो गणपति बप्पा मोरिया, अच्छे से जाए बस मेरा पेपर। पप्पा आपने पेन ले लिया ना, मेरे पेन खत्म हो गया है। ऐसा क्या लिखा तूने जो पेन खत्म हो गए? कल मैंने बहुत पढ़ाई की है पप्पा, लिख लिख के पढ़ाई की है, तो पेन खत्म हो गए मेरे दोनों। यार देखो, टेंशन दूर करने के लिए ना हम एक गाना गाएंगे। चलो पप्पा। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी कपड़ा टोपी जूता पहन बहुत इतराए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्ले पर जी लाल छाया मुंह में रखा गप से, रसगुल्ले पर जी लाल छाया मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीव जल गई गप से। लालच लेट हुआ बंदर को, जीव जल गई लालच की वजह से। हाँ ना, थोड़ा रुक नहीं सकता था क्या बंदर मामा? दीक्षा का कॉल है। हाँ हाँ जल्दी यार, तू भी कितना स्लो मोशन में काम कर रही है। कॉलेज भी नहीं पहुँची अभी तक, ये लड़की घर में ही बैठी है, सो रही है। पहुँच गई, 5 मिनट, 5 नहीं 10 मिनट। जैसे जैसे कॉलेज नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मुझे और टेंशन हो रहा है। अच्छे से लिख भला क्या? हाँ पेपर पूरा काला करने का। ठीक है चलेगा, लास्ट टाइम भी पप्पा ने ऐसे ही बोला था पेपर पूरा काला करके आना, तो मैं पूरा ही काला करके आ गई पेपर। पूरा लिखने का, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। हाँ चलेगा पप्पा। ठीक है जा रही हूँ पप्पा, आप यहीं पे रुक रहे हो ना? हाँ मैं रुकने वाला, पेपर खत्म होने तक मैं यहीं रुकता पार्किंग में। जा तू। ठीक है चलेगा। तो ये रहा मेरा कॉलेज, कितने दिनों के बाद मैं अपने कॉलेज आई हूँ यार। चलो जल्दी से चलते एग्जाम देने के लिए। एकदम बढ़िया। तुम क्या राइटिंग पैड वगैरह कुछ नहीं लाए क्या? मैं तो बैग भी नहीं लेकर आती। हाँ मेरा ऐसे ही है, मैं बैग पाउच वगैरह कुछ नहीं लाती, बस राइटिंग पैड और ये पेन। चलो यार, अभी तक हमको पता भी नहीं है कि हमारी एग्जाम है ना कौन से वाले हॉल में होने वाली है, मतलब अभी देखना पड़ेगा जाके, क्योंकि कल ही हॉल है ना चेंज हुआ है सबके। चल अभी जाके देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गणपति बप्पा मोरिया। बाय रे तुझा, ऑल द बेस्ट। तो बोल। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली एग्जाम देने के लिए। मैं ना अभी जाती हूँ हॉल में, फिर बाद में आना, एग्जाम होने के बाद आप सबको बताती हूँ कैसी गई मेरी एग्जाम। ओम नमः शिवाय। देखते अभी मार्क्स अच्छे आएंगे, बट इतना कॉन्फिडेंस आ गया। चलो पहले स्टार्टिंग में जाते हैं, हॉल में इतना डर लग रहा था कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, बट बाद में यार इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो क्वेश्चन पेपर देख के बहुत इजी था यार। ऐसे जब अच्छा पेपर जाता है ना इतनी खुशी होती है ना, अभी मैं इतना खुश हो रही हूँ। लेकिन है ना मुझे है ना अभी आई कार्ड का भी काम करना है, ये जो मेरा आईडी कार्ड है ना ये पुराना वाला है, नया वाला आईडी कार्ड लेना है। फाइनली हमारा है ना आईडी का काम हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। यार इतना लाइन में लगना पड़ता है ना वो आईडी के काम के लिए भी। चलो लेकिन अच्छा वो हो गया, कल पे नहीं गया ये काम। आप यूनिफॉर्म में आ गए आज? हाँ फिर यूनिफॉर्म कल ही लाया हमने। ओके कैसे हो आप? आप ठीक है? आप ठीक है? अच्छा आप ठीक है, मतलब मेरे से मिलने के बाद ठीक है? क्या बात है अंकल, तो आई नहीं थी ना 4-5 दिन से, उसकी वजह से। अच्छा बाय गर्ल्स, फॉलो मी। ये निशा नहीं कहा गया वो फॉलो मी, ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो ये रही हमारी कार, अब देखते पापा क्या कर रहे हैं। चलो आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, आज बैठो। अरे चलो बैठो, सच में थोड़ी चला रही हूँ इतना डरने के लिए। पापा सो रहे, शांति तू दिखने टैसी इतनी।
तो सो रहे हो पापा। चलो मैं चला के लेके चलूँ आज गाड़ी। चल बाय दीक्षा, कल मिलेंगे ठीक है? जल्दी आ। हाँ हाँ कल जल्दी आऊंगी मैं। टाटा। सो देखो मैं आ गई हूँ घर पर। आप सबको पता है सॉन्ग रिलीज के है ना 10 मिनट पहले मैं घर पे आ गई हूँ, लेकिन अभी है ना जल्दी से ऊपर भागते हैं और देखते हैं कहीं मेरा सॉन्ग रिलीज तो नहीं हो गया ना। नहीं 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 जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं, मुझे भी तो देखना है। अच्छा हाँ चलो मैं टाइम पे आ गई, अभी हम साथ में मिलके देखेंगे म्यूजिक वीडियो। वो जो हमको टेंडर मिलने वाला था ना, वो अब हमें नहीं मिल रहा है, वो किसी और पार्टी को दे दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, और यहाँ पर तो साक्षात गणपति जी विराजमान है। सारा जहाँ जिसके चरणों में रहता है वो हर जगह, हर कोई उसको ना देख सके। पापा का सॉन्ग है ना, ऐसे नीचे लेट के देखना चाहिए, ऐसे सारे ना ऐसे जमीन के ऊपर रख के। मेरे बप्पा मोरिया रे, ओ मेरे बप्पा मोरिया रे, ये मेरा राज है एकदम फेवरेट सॉन्ग है ये। अभी है ना मेरी नानी है ना, रोज सुबह सुबह ना ये गाना लगा के बैठेंगे ऐसे ना, बप्पा की पूजा करेंगे मेरी नानी। जब हम ये सॉन्ग शूट कर रहे थे ना, तब हमें नहीं पता था कि ये सॉन्ग स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, बट जब आज हम लोग ये सॉन्ग देख रहे हैं तो आज हम खुद ही इमोशनल हो गए। आपने अगर ये सॉन्ग अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके ये सॉन्ग देखो, क्योंकि जब आप ये सॉन्ग देखोगे तो आपको बहुत इमोशनल फील होगा और अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी। कैसा लगा बताओ सबको? सुपर हिट लगा? चलो सबने बोल दिया, ची ने भी बोल दिया, तो सुपर हिट सॉन्ग है। आप सब भी कमेंट्स में बताओ कि आपको सॉन्ग कैसा लगा, और अभी तक अगर आपने सॉन्ग नहीं देखा है तो वाला डीजी के चैनल पे जाके जल्दी से सॉन्ग देखो और ढेर सारी लाइक करो। यार मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है, और वो म्यूजिक वीडियो देखने के बाद मैं ना आंसू आ रहा है। आप जल्दी से जाके देखो और अपना रिएक्शन मुझे बताओ। सो आप सबको सॉन्ग की कौन सी लाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और प्लीज सॉन्ग को जाके ढेर सारा प्यार दो, प्लीज बहुत सारे लाइक्स करो, एंड कमेंट्स में लिख दो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी जो नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो है वो भी जल्दी आएगा, रेडी रहना सब लोग।